हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुष्मिता और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक ऐसा मैजिकल फेस स्क्रब। आज का जो फेस स्क्रब है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। सो बेसिकली जो आज का स्क्रब बनने वाला है वो ग्रीन टी से बनने वाला है। सो ग्रीन टी के हमारे हेल्थ से रिलेटेड कितने सारे फ़ायदे होते हैं, ग्रीन टी हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ग्रीन टी हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन टी कैसे हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्रीन टी टेस्ट में जितना ही बुरा होता है वही हमारे सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ग्रीन टी सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए या फिर वही लेते हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका हेल्थ कैसा भी हो आप ग्रीन टी डेफिनेटली ले सकते हैं। ग्रीन टी आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा, आपको नुकसान कभी नहीं देगा। ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से ग्रीन टी हमारे शरीर को अंदर से प्योरीफाई करता है, टोटली डिटॉक्सिफाई करता है। तो डेफिनेटली ग्रीन टी ज़रूर लेना ही लेना चाहिए। एंड आज से अभी से आप अपने चाय को रूटीन से बिल्कुल साइड कर दीजिए एंड ग्रीन टी को अपने रूटीन में ले आइए। सो ये तो रही ग्रीन टी की हमारी सेहत से रिलेटेड बातें। सो हमारा मेन टॉपिक आज का ये है कि हम ग्रीन टी को ऐसा फेस में फेस स्क्रब की तरह कैसे यूज़ करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि ग्रीन टी को ऐसा फेस स्क्रब हम कैसे यूज़ करेंगे। सो ये है हमारा ग्रीन टी। जो ग्रीन टी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो टेटले का है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल अपना ग्रीन टी बनाऊंगी, जिस तरीके से नॉर्मली हम ग्रीन टी बनाते हैं, टी बैग को हॉट वाटर में डिप करके। सो लो, यहाँ पे मेरा ग्रीन टी बनकर रेडी हो गया है। सो बच गया यहाँ पर हमारा टी बैग। सो ये टी बैग हमारे किस काम का है? ये टी बैग अब सीधा जाएगा डस्टबिन में, क्योंकि ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। सो अगर आप इसे डस्टबिन में ना डालकर अपने फेस पे यूज़ करें तो ये एक मैजिकल फेस स्क्रब बन सकता है। सो यही टी बैग, इसके अंदर का जो ग्रीन टी है, यही हमारा बनेगा आज का ग्रीन टी स्क्रब। सो आज के इस स्क्रब में आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। सो इस वेस्ट को ही हम बेस्ट तरीके से यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन टी को टी बैग से निकाल कर कलेक्ट कर रही हूँ। एक टी बैग में जितना ग्रीन टी होता है उतना सफिशियंट है आपके फेस एंड नेक में स्क्रब करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टी बैग से इतना ग्रीन टी मैंने कलेक्ट किया है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा फेस स्क्रब की तरह, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें हनी भी ऐड कर लें। सो यहाँ पे मैं पतंजलि का हनी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे हमारा जो फेस स्क्रब है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और अगर इस विंटर के सीज़न में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रखी है तो आप यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्रीन टी स्क्रब बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हमें अपने फेस में जेंटली स्क्रब करना है सर्कुलर मोशन में, वो भी 2 मिनट के लिए। सो कोई सा भी फेस स्क्रब हम यूज़ करते हैं तो हमको पता होता है कि फेस स्क्रब करने से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सो इस फेस स्क्रब को भी यूज़ करने से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये स्किन में जो इरिटेशन होते हैं, स्किन में रेडनेस होती है, उनको भी सॉल्व करता है। अगर आपकी स्किन में कुछ डार्क स्पॉट होते हैं उनको लाइटन करता है। कॉम्प्लेक्शन के केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये हमारे स्किन को बिल्कुल फ्रेश एंड ग्लोइंग रखता है। एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं ग्रीन टी में, जो कि प्रीमेच्योर एजिंग को प्रोटेक्ट करता है। और इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ग्रीन टी से हमें मिलते हैं हमारी स्किन के लिए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 2 मिनट तक स्क्रब हो जाने के बाद आप चाहें तो इसको अपने फेस में 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप इसे पानी से वॉश कर लीजिए। पानी से फेस को वॉश कर लेने के बाद आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ये वाला स्क्रब आप 4-5 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यूट्यूब में बिल्कुल ही नई हूँ, सो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं फिर से लौटूंगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।